दो दिन हो गए हुरम नहीं आई, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। आका के पास है भी के नहीं क्या मालूम, हो सकता है समंदर में भूखी मछलियों की गजा बन गई हो। नहीं नहीं मैं बताती हूँ, हुरम की गजभर की जबान काट दी गई है, सोचो जरा उसकी सांप जैसी जबान कैसे काटी गई होगी। आयला खातून, हुरम को देखा तुमने? किसी को भी नहीं देखने दिया, मुझे भी कमरे से निकाल दिया, कहा कि हुरम बहुत बीमार है, कहीं तुम्हें भी न लग जाए उसकी बीमारी। हेलो, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे, बाहर डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। सुलेमान मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। कुछ खातून, कुछ कुछ नहीं हुआ, आराम से छोड़ो, ठीक हो जाएगा। मुझे तो पीछे तो जाओगे तुम, पीछे बिस्तर पर लेटो, लेटो बिस्तर पर। शाबाश मारिया, शाबाश शाबाश, मैं लेट जाओ। अल्लाह आराम से, अल्लाह बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह है रहमान रहीम। अल्लाह मुसलमान हो गई है, मेरे हकाम कहाँ है, पास आ जाए। मेरे आका, पतले और हल्के होने से जहाजों की रफ्तार में बहुत तेजी आ जाएगी, ज्यादा गहरे भी नहीं हैं, चप्पुओं से बादबान की मदद से भी चलेंगे, दुगना फासला तय करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अमीरुल बहर मतरकची नसू के पेश करदा ख्याल को भी फजूल मत समझेगा, उस पर हर पहलू से सोचें, कोई ना कोई सूदमंद रास्ता निकल आएगा। तुर्कों के लिए डेन्यूब का दिल बहुत वसी है। इब्राहिम, जिसे हम मजाक समझ रहे थे वो तुमने सच कर दिखाया, कितना नाजुक मसला अपने ज़हने रसा से हल कर दिया तुमने। अमीरुल बहर पोलाक मुस्तफा पाशा से कहना पड़ेगा कि तुम्हें इस नाजुक बहरिया का अमीर बना दे। सुल्तान के हुक्म का गुलाम हूँ मैं, तुर्कों की फतह के लिए अगर किसी काम आ सका ये मेरे लिए एजाज होगा। वजीर मोहतरम, रुतबों का मत सोचिए, कामयाबी तो बस मंजिल की जुस्तुजू है।
आका हुरम खातून को याद फरमा रहे हैं, फौरन लेकर आओ। सुना नहीं तुमने सिंबल आगा? सुन लिया मोहतरम, बिल्कुल सुन लिया। खड़े क्यों हो, सोच क्या रहे हो तुम? जाओ जाके लेकर आओ। अच्छा पियो इसे, क्या कर रही हो? ये तुम्हारे लिए जरूरी है। हुरम देखो गुस्सा ना दिलाओ, चलो पियो पियो। अल्लाह अल्लाह, मर गए, बर्बाद हो गए। आका ने हुरम को तलब किया है, क्या कहेंगे उनसे अब? क्या कहेंगे? मैं बताती हूँ आप लोग क्या कहेंगे। हुरम, मेरे आका, कोई अहम बात कहनी है क्या? सुंबुल आका हरम से खबर लाए हैं, हुरम खातून ने इनकार कर दिया आने से, यानी मुनासिब नहीं है शायद, इतना ही मालूम हुआ है। उसकी जुर्रत, उससे कहो कि फौरन आए। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। शहजादे मुस्तफा बहुत देर में सोए। जो देखो उस अजाबी इलाही को होश में आ गई, कैसी हालत है मालूम करो फौरन, बहुत फिक्रमंद हूँ मैं। जो हुकुम मलिका, अभी खबर लाती हूँ। क्या हुआ, आका के हुकुम पर भी नहीं आई? जनाब मुकर्रबे खास, मैं खुदा कह रहा हूँ मिन्नत करता रहा, मगर वो तो जिद पर अड़ी हुई है कि नहीं चाहूंगी। सुंबुला, ये औरत होश में तो है? पूरम का इंतजार कर रहे हैं सुल्तान, किसकी इतनी जुर्रत के? क्या छुपा रहे हो, सच सच बताओ। बाद सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे हुक्म पर भी इनकार कर दिया, मुझे जवाब चाहिए फौरन। कनीज का चेहरा बिगड़ गया आका, सुल्तान के लायक नहीं रहा। मतलब क्या है हुरम? सर ऊपर करो। जी मलिका, हरम में आ गए हैं आका, बहुत गुस्से में अलेक्जेंड्रा के कमरे में गए हैं। किसने किया ये, किसकी मचाल हुई? बताओ हुरम किस हाथ ने दिए ये जख्म? अपने हाथों से कत्ल करूंगा उसे, तुम्हारे आंसुओं का सदका दूंगा, बताओ है कौन? माँ है, माहे दौरा,
आया खातून, हुरम को मेरे कमरे में ले जाएं, शाही तबीब को बुलाएं और उससे कहें फौरन इसका इलाज शुरू करें। कौन जाने क्या क्या झूठ बोल रही होगी बदसात। मसलूम, मासूम, बेचारी बन गई होगी, फरिश्ता सिफत बनकर दिखा रही होगी सुल्तान मौसम को। झूठ झूठ बोल रही है वो। क्या किया तुमने? तुम मेरी माह दौरा सुल्तान तो नहीं हो? बोलो, ये शैतानी रूप कहां से आ गई? मेरे आका, किस तरह उस पर हाथ उठाने की जुर्रत की तुमने? उस पर नहीं, ये हाथ तुमने मुझ पर उठाया। आइंदा तुम्हारी परछाई को भी नहीं देखना चाहता मैं। सुल्तान रहम करे मुझ पर। नहीं सुनना चाहता मैं आवाज भी तुम्हारी। नफरत हो गई है तुमसे। माहे दौरा दरकोर कर दिया तुमने। कुछ नहीं हुआ, गिर गई हमाम में। अब चलो सोने का वक्त है, लेटो अपने बिस्तर पर, चलो। वालिदा, कहो खैर है? तुम ठीक नहीं लगते। खैरियत नहीं है ये, आप जानती हैं वालिदा। बिल्कुल लाइल्मों में, तुम कुछ बताओगे तो मालूम होगा मुझे। क्या कुछ की परेशानी है? कुछ तो अनकरीब हो गए, वो कोई परेशानी नहीं है। असल परेशानी है माह दौरा। वालिदा, कल से मुस्तफा मेरे पास रहेगा और उस औरत को पुराने बायजीद महल भिजवा दे। मैं नहीं चाहता वो इस महल में रहे, बल्कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना है मुझे। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या माजरा है बेटा? ये भला मुमकिन हो सकता है? माह दौरा सल्तनत की मलिका है और शहजादे मुस्तफा की माँ है। इस खानदान के लिए बहुत शर्मनाक बात है। किसी तुर्क सुल्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जो शर्मनाक काम किया है उस पर मैं उसका सर भी कलम करवा सकता था। रहम खाया मैंने, ताहम मेरे मामलात में कोई दखल अंदाजी करे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं। वो सजा की हकदार है वालिदा, यही कहना था मुझे। कैसी हो? आराम आया कुछ? एक नजर देख लिया आके आराम। ठीक हो जाओगी हुरम, सब ठीक हो जाएगा।
दिल हल्का रखो। अब किसी की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हारा बाल भी फीका कर सके। सही हो जाऊंगी, बस आ मुझे छोड़ के मत जाइएगा। इसके सिवा मेरा ना कोई इलाज है ना दवा। बोलो मत ज्यादा, जहन पर जोर ना डालो। मैं रखूंगा ख्याल, मैं करूंगा इलाज तुम्हारा। मेरे आका तबीबा आ गई हैं मरीजा के मुआयने के लिए। सोइए, जगाना मुनासिब नहीं। अभी भेज दो, जरूरत हुई तो बुला लेंगे। पारगली, उसे भेज कर आओ जरा। बहुत तकलीफ उठाई, बहुत खौफजदा थी हूरम। वो मेरे पास रहकर भी चिड़िया की तरह सहमी हुई थी। माहे दौरा इस हद तक कैसे गिर गई? क्यों कर इतनी वैशी हो गई पारगली? अंधा हो जाता है इंसान, मोहब्बत चीज ही ऐसी मेरे आका। बाद में उसे एहसास होता है कि मैं खौफनाक और भयानक जुर्म का इर्तिकाब कर बैठा हूं। ये जुर्म नाकाबिले तलाफी है पारगली। जब भी उसे देखूंगा मैं, हूरम का लहू लुहान चेहरा और उसकी जख्मी रूह याद आएगी। चली जाए वो, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप कहीं भेज रहे हैं उन्हें? इसे कहते हैं मोहब्बत? क्या ऐसा अंधा कर देती है मोहब्बत? इसे हसद नहीं तो और क्या कहूं? मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत। मैं मोहब्बत में एहतराम चाहता हूं। सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान। आ गया हूं हूरम, आ गया हूं। Thank you.
आ गई तुम, आ गई। कैसी? बहुत अच्छी। सुल्तान ने किया इलाज। शबरोज मेरे सामने ही बैठे रहे सुल्तान। खूब सीख ली जुबान भी। बोल बोल के सीख ली। सुल्तान सुलेमान के साथ रहकर बहुत अच्छे उस्ताद हैं सुल्तान। अच्छा तुम बताओ क्या हाल है यहाँ का? माहे दौरा की हालत बहुत खराब है, बस रोती रहती है वो। बच्चा भी खो दिया, बच नहीं सका। सुल्तान ने बहुत डांटा है उसको। डांटा? सजा थी? बहुत गुस्सा किया उस पर, बहुत बुरा भला का किया भी बहुत गलत था उसने। एक कनी सुल्तान के कमरे में फरोकश है, वो खुद उसका इलाज करा रहे हैं। वालिदा इससे बड़ा कम और क्या होगा? शुक्र करो कि महल से नहीं निकाला गया तुम्हें, वो तो तुम्हारी सूरत तक देखने का रवदार नहीं था। जरा वक्त गुजरने दो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से बचाया है, अब खामोश रहना होगा तुम्हें। तरबियत करो शहजादे की और दुआएं कि खैरियत रहे, सब्र करना सीखो। बड़ी जादू करनी है वो, उसने न जाने क्या सहर कर दिया आका पर। वो नागिन है वालिदा, सच कह रही हूँ, नागिन है वो। हमने उसका सर ना कुचला तो वो हम सबको डस लेगी। माहे दौरा बहुत हो गया, बस कर दो, जाओ मुस्तफा के पास। इस तरह तो तुम अपनी तवज्जो से महरूम कर दोगी उसे। याद रहे माँ का फर्ज नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। हुरम खातून, आका ने आपके लिए तोहफे भेजे हैं इस संदूक में। बहुत खूबसूरत। संदूक ऊपर ले जाओ। मारिया आओ, कमरे में चल के देखते हैं कि सुल्तान ने क्या तोहफे भेजे हैं मेरे लिए। किला आज से मेरा है। और ये मेरा किला। पारगली तैयार है कूच के लिए? तैयार है, बस थोड़ी देर। तोप साजों ने इत्तला दी है कि 200 वाली तोप तैयार है सुल्तान के मुलाइजे के लिए। अच्छा तो चलो। जासूस भौखलाए फिर रहे होंगे इतराफ में, कूच का वक्त और सिम्त मालूम करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। वो कुछ नहीं जान सकेंगे, कल परसों तैयारी शुरू हो जाएगी तब समझ में आएगी वो कितने नादान है। हम दो मकामात पर बैक वक्त महाज खोलेंगे, मशरिक के लिए उसका दार में एक महज, और मगरिब के लिए दाऊद पाशा की पहाड़ी पर से हमला करेंगे उन पर, मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से। इस तरह हौसले पस्त हो जाएंगे उनके। बादशाह सलामत। मैंने कहा था मुझे परेशान मत करना। माफी चाहता हूं, बहुत अहम खबर मिली है कुस्तुनतुनिया में सफीर वेनिस के जरिए। तुर्कों ने ऐलान जंग कर दिया है हमारे खिलाफ। हमसे ऐलान जंग किया है मखोने? अभी यकीनी तो नहीं है ये बात, लेकिन अंदाजा है कि वो जंग पर तैयार हो चुके हैं। ये उनकी सोच है, मगर ऐसा कर नहीं सकते वो। फिर भी अगर उन्होंने हमला करने की जुरत की तो सुलेमान को ऐसा सबक दूंगा मैं कि पस्पा होने का भी मौका नहीं मिलेगा।
उसे थोड़े समय दफन कर दूंगा मैं मरकजी दरवाजे के आगे। एहसास बुरो दे बुरो दे। तुम मुसलमान हो गई, कैसे हुई? दुआ पढ़ी और कहा कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं और हो गए मुसलमान। और हां फिर बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। ये तुम रखो मारिया। मैंने ले सकती है तुम्हारे? मारिया ले लो, तुम्ही तो एक दोस्त हो मेरी, मेरी सहेली। शुक्रिया, तुम भी मेरी एक ही दोस्त हो। ये भी लो। अनकरीब ये पूरा महल मेरा हो जाएगा। इस हरम की तमाम कनीजें ताजीम करेंगी मेरी, सब कनीजें मेरी गुलाम होंगी। फिर तुम मेरी कनीजें खास कहलाओगी। हाँ बोलो मतरक जी। मेरे आका, तुर्क कारीगरों और हुनरमंदों ने ऐसी तोप बनाई है कि दुनिया देखेगी। देखते हैं मतरक जी, ये दुनिया इसे कैसे याद रखती है। जोड़ो इसे। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, चलो चलो। सुल्तान सुलेमान से मिलना है मुझे, बुलवाया है। इस वक्त ये मुमकिन नहीं, किसी और वक्त, सुल्तान अभी मसरूफ है बहुत। हुरम आई है क्या पारगली? देख लिया, सदा पहुंच गई ना सुल्तान तक। ठीक है पागल,
खजीना, क्या बात है मेरी जान? हर घड़ी खोया खोया पाती हूँ तुम्हें, क्या बात है? ठीक हूँ मैं। आओ मेरे पास आकर बैठो, हर्म के झगड़ों में उलझकर तुमसे बात ही नहीं हो सकी कब से। दिल जलता है देखकर तेरा ये दुख, निकलो इससे, बेवकी का दुख। आइंदा ये हसीन चेहरा दुखी ना देखूं मैं, तेरा घर बसना चाहिए। तुम खुद सोचो ना, तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ तो नहीं गुजार सकती खजीना मेरी बच्ची। मुझको अपने नवासे चाहिए, देख मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ हमेशा। मुस्तफा से वादा किया था मैंने सोने से पहले कहानी सुनाऊंगी उसे, इजाजत चाहती हूँ वालिदा। ये तुमने अच्छा किया, मुस्तफा इंतजार कर रहा होगा, सोचना जरा जो मैंने कहा। वालिदा सुल्तान। दाया, कहाँ गायब थी? बहुत काम थी क्या? क्यों थकाती हो अपने आप को इतना? ऐसी कोई बात नहीं है वालिदा, वक्त तो मिल ही जाता है आराम के लिए, लेकिन हुरम खातून जब से ठीक होकर आई हैं, बदली हुई हैं, गुरूर आ गया है बहुत। वो कहती हैं कि ये महल मेरा हो जाएगा और सब मेरे गुलाम होंगे। ये नतीजा होता है गुलामों को मुंह लगाने का। सुलेमान कूच कर जाए जरा, तब बताऊंगी उसे ये मैं भूल गई है दरअसल किसका है ये महल। जब लौटेंगे तो वो सुल्तान को नजर नहीं आएगी। ये देखिए हुरम खातून, ये है दरिया डेन्यूब, तुर्क बहरिया यहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी। तोपों से भरे हुए जहाज, बारूद से भरे हुए जहाज, जंग इस जगह होगी। आपको डर नहीं लगता मौत से? जंग, खून, कितने लोग मर जाएंगे, कितने फना हो जाएंगे। ये सोच लें तो जंग कैसे जीतेंगे हुरम खातून? अपने जहन को मुंतशिर ना करो तुम। खून का बदला है खून, ये जंग छेड़ने वाला मैं नहीं हूं। अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो लड़ना ही पड़ता है हुरम। मैं बाबा सुल्तान सलीम खान से भी ज्यादा कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ना घर वाले, ना दोस्त। اگر یو نگرانه و من امرم دعا بوب که خورم خاتون دعا بکه است ایوش چرنوستان بمنو بستاو الله مجھے معاف کر دے میں نے بھائی کا منع کیا मुझे पता है वो मुझसे नाराज होकर चला गया, उसे भेज दें, वो बहुत छोटा है अभी। अम्मी रोती रहती हैं कि वापस आ जाए मेरा भाई, मैं वादा करता हूँ बहुत प्यार करूंगा उसे। बाबा प्यार करें मुझसे और अम्मी रोना छोड़ दें, मेरे अल्लाह मेरी बात सुन ले। आमीन। मुस्तफा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अभी तो नहीं आ रही, लेकिन आप सास सोए तो आ जाएगी। आ जाओ मेरे पास।
चलो अब सो जाते हैं। रवाना हो रही? अभी नहीं। मत जाए ना। इब्राहिम मुंतजर होगा, मुझे बहुत काम करने हैं, तुम सो जाओ हुरम। आपके बगैर नहीं, हुरम अकेले डरती है। नहीं देखो, जिद मत करो तुम, चलो। इब्राहिम अच्छा है या हुरम अच्छी है? तुम्हें हसद हो रहा है इब्राहिम से? हाँ, और क्यों नहीं होगी हसद मुझे। अच्छा रहेगा, आदत डाल लो। मेरे आका फरद पाशा शाम से कैसरिया की जानिब रवाना हो गए। ईरान से शाह इस्माइल की तरफ से मिलने वाली धमकी की वजह से लश्कर का एक हिस्सा वहां छोड़ दिया है। मिस्र, शाम और दियार बाकर सांजाक के लिए हिफाजती इंतजाम मुकम्मल हैं। उन रास्तों पर मौजूद सभी लश्करियों को और तमाम सूबेदारों को होशियार रहने का हुक्म दे दिया गया है मेरे आका, और वहां पुल भी तामीर होना शुरू हो गए हैं। गोदामों में अजनास पहुंच गया है सुल्तान मौज़्ज़म। मशरिक वस्ता से 30,000 भेड़े और ऊंट मंगवा लिए गए हैं सुल्तान मौज़्ज़म। मेरे आका, रोमेली में 15,000 जंगजू हमारे मुंतजिर है, अदरना से हमारे साथ मिल जाएंगे। फरद पाशा रोमेली में आ मिलेंगे हमसे। अहमद पाशा, फौरन जाइए और अदरने के लश्करों को हिदायत दे दीजिए। लाला कासिम पाशा, मेरी गैर मौजूदगी में तुर्क सल्तनत अमानतन आपके हाथ में रहेगी। आकाए मुकर्रम, आपने मुझे इस अमानत के लायक जाना, इस पर मुझे फख्र है। इस तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह आपकी राहें आसान और जिहाद मुबारक करे। मोहतरम मोचे नीगो, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, उम्मीद है आप भी बखैरियत होंगे मोहतरम जोशी। जी मोहतरम, सुना आपने, दाऊद पाशा में एक महाज बनाया गया है और दूसरा महाज उसकुदार के नए महल में बनाया गया है हुजूर। अच्छा, तो सुल्तान का लश्कर किस तरफ जाएगा इनमें से, कौन जाने? महल से भी अंदर की कोई खबर नहीं मिली, खासी खामोशी है। खेल रहा है सुल्तान हमारे साथ, बहुत चालाक है। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? हाँ है तो सही, बताइए। क्या मैं हूं वो मसला? तुम सुल्तान का पीछा ही नहीं छोड़ते किसी भी वक्त, मेरे लिए कौन सा वक्त है? बस बहुत हो गया इब्राहिम। हुरम खातून, मैं सुल्तान का गुलाम हूं, हमराज हूं, खादिम हूं और भाई हूं, कुछ समझ आई? इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, मैं हूं उनका मुकर्रब खास। अच्छा यही है, औकात में रहो अपनी। हुरम खातून,
बहुत जल्द जान लोगे तुम मेरा मुकाम मेरा मर्तबा। गुलाम इब्राहिम। होराम, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? बहुत इंतजार कर रही थी सुल्तान, मेरी तो नींदें उड़ गई थी। रो मत, मेरा दिल मत दुखाओ हुरम। कैसे न रो मैं, आप जंग पे जा रहे हैं, मर जाऊंगी मैं। ऐसा ना कहो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा मरना मना है, मना है, समझ गए? आखिर इन आंखों ने देख ही लिया, रू शाद हुई, तो अगर ये जुर्म है कोई तो मार दो मुझे। अल्लाह से शहादत मांगी है सिर्फ, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि उसने दिया है ये मौका मुझे। मुहिब्बी अपने हाल का शिकवा किससे करे कि उस पर जुल्म तो उसका महबूब ही ढा रहा है। खजीना सुल्तान की अमानत है ये रुमाल। आपको ये अमानत वापस लेकर आनी है। शुक्रिया कहिएगा मेरे दिल की गहराइयों से उन्हें। एक दिन जरूर लौटूंगा जंग जीत कर, ये वादा है मेरा। उनका रुमाल अपने दिल से लगाकर रखूंगा मैं, ये मेरी हिम्मत बढ़ाएगा।
सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। जहाद मुबारक हो फरजंद, अल्लाह की अमान में रहो। महल से निकलकर बाबा के मजार पर हाजिरी दूंगा और मस्जिद में पहला निशान जंग अपने हाथ से नस्ब करूंगा। दुआ के बाद ही कूच का आगाज करूंगा। मालूम है कि वापसी नामुमकिन भी हो सकती है वालिदा। जंग में पीठ दिखाना तुर्कों का शेवा नहीं। हाँ मेरे शहजादे। बाबा मैं भी जंग करूंगा जालिमों से, तलवार से उनके सर कलम करके डाल दूंगा आपके कदमों में। जरूर आएगा ये दिन इंशाल्लाह। मुस्तफा बहुत जंगों में फतेहयाब होंगे हम आप एक साथ, लेकिन मकतब और असातजा को कभी नहीं भूलोगे। बाबा आप मकतब की बात नहीं किया करें। नकारा बजने वाला है, कूच का वक्त आ गया। बाबा मैं भी जंग करूंगा जालिमों से, तलवार से उनके सर कलम करके डाल दूंगा आपके कदमों में। जरूर आएगा ये दिन इंशाल्लाह। मुस्तफा बहुत जंगों में फतेहयाब होंगे हम आप एक साथ, लेकिन मकतब और असातजा को कभी नहीं भूलोगे। बाबा आप मकतब की बात नहीं किया करें। नकारा बजने वाला है, कूच का वक्त आ गया। दुआओं के लिए हाथ उठते रहने चाहिए। कुस्तुन्तुनिया ने जंगी लश्कर की रुखसती का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। सुबह से ही गलियों में रियाया का एक जम में गफीर है। लोग सुल्तान को जिहाद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तुर्क जंगजुओं को जिहाद की हसरत मिटाने का मौका मिल रहा है। हजारों लोग नारे लगा रहे हैं कि सुल्तान सुलेमान आ रहा है, हंगरी को तहस नहस कर देगा।
तुर्कों ने कसम खाई है, लुई से इंतकाम लेने सुल्तान सुलेमान आ रहा है। मैं हूँ सुलेमान, सुल्तान सलीम खान का फर्जंद, मलिका आयशा हफ्सा का नूरे हैं, तुर्क सल्तनत का 10वां सुल्तान। तलवार के जोर पर मिस्री, कुर्दों और अब्बासियों को मुती किया, शाम और फलस्तीन जैसे मुल्क फतह किए, दुनिया के अहम तरीन तिजारती रास्तों का मालिक, समंदरों रेगिस्तानों पर हुकूमत करने वाला, तुर्क सल्तनत की मीरास का कानूनी वारिस। मैं हूं सुलेमान, मगरिब के आखिरी हदों तक तुर्की घोड़ों के सुमो तले रोंदने की कसम खाने वाला, मजलूमों की मदद के लिए इंसाफ की कसम खाने वाला, कसम खाने के लायक हर सरजमीन पर अमन आश्ती और बरकत लाने का अहद करने वाला, जंग से बासलामत वापसी की और अपने पीछे वफादारी छोड़ते जाने की कसम खाने वाला। सुल्तान ने कहा है अब अगर हरम में कोई तनाजिया हुआ तो सारी खादमाओं को रेगिस्तान में पिकवा दूंगी। खुदा के लिए निगार काल्फा, इन कमबख्त कनीजों पे नजर रखो। सुल्तान मौजम के कूच करते ही वालदे सुल्तान के तो तेवर ही बदल गए हैं। खुदा खैर करे, एहतियात करनी होगी। मगर इस हुरम को कैसे संभालेंगे? देखो जरा, मलिका की तरह घूम रही है। तलब करने का अंदाज मुलाहिजा कीजिए, अब देखना कैसे लाता हूं मैं औकात में इसे। जा। अब क्या हो गया हुरम खातून? सुकलुम आगा, मुझे सबक नहीं पढ़ाओगे? तय हुआ था ना महल के बारे में बताना। सही से नाम लो, सुकलम नहीं, सुम्बुल आगा, सही बोल के दिखाओ तुम। मैं बहुत फिक्रमंद हूं सुम्बुल आगा, चाहती हूं कि सुल्तान सुलेमान जंग से लौटे तो देखें कि हुरम ने हर शय सुम्बुल आगा से बुलबुल की तरह सीख ली है। ठीक है, आज असर के बाद करेंगे हम शुरू। अब अपने कमरे में जाओ, बाहर ना घूमना खामखा, कोई झगड़ा ना करना, समझी? चलो। लाला कासिम पाशा आ रहे हैं मलिका। ले जाओ यहां से सबको, मैं उनसे अकेली में बात करूंगी। वालदे सुल्तान, मैं आपको सलाम करने की गरज से हाजिर हुआ हूं। खुश आमदीद लाला, वजीर होने पर मुबारकबाद देती हूं। मेरे बेटे ने यह फैसला करके बहुत अच्छा किया, आपको महल में तलब कर लिया। वो शबरोज कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ मुझे इल्म है। मैं जानती हूँ अपनी जिम्मेदारी खूब निभाएंगे आप। मैं भी आपसे दरअसल कुछ मशवरे चाहती हूँ। हुक्म फरमाइए वालदे सुल्तान, क्या खिदमत कर सकता हूँ?
हरम में मेरी एक पसंदीदा कनीज है जो मुझसे खास ही करीब है। तालुक रोतीनिया से है और नाम हुरम है। मुसलमान हो चुकी, खूबसूरत, बादब, बासलाइयत, हुनरमंद भी है माशाल्लाह खासी। जाहिर है आपकी शफकत में तरबियत ली है तो जरूर बासलाइयत होगी वालदा सुल्तान। हुरम के लिए एक तजवीज है, यकीनन आप इसे इत्तफाक करेंगी। मेरे आका, हमारे सामने तीन रास्ते हैं। पहला, कलाए सर्बिया फतह करके पेशकदमी करें। दूसरा, आजरबैजान को जेर नगीं करके आगे बढ़े। तीसरा, बुडापेस्ट को रौंदें। कलाए सर्बिया इतना अहम नहीं, तकसीम ना करें अपनी कुवत। पहले बलग्राद पे जलगार की जाए, वो फतह कर लिया तो समझे शालुई के कल पे वार कर दिया, वो इंतजार करता रह जाएगा बुडापेस्ट में। मेरे आका, बलगरात कितना मजबूत किला है ये हम खूब जानते हैं, तभी नाकाबले तस्खीर है। अगर हमने बलगरात को हदफ बनाया तो कहीं पसोपेश में आकर लश्कर की हिम्मत न टूट जाए, लेकिन अगर कले सर्बिया की फतह से आगाज किया तो हौसले बुलंद रहेंगे। क्या कहते हो पारगाली? मेरे आका, ये मेरा मुकाम तो नहीं, लेकिन अहमद पाशा की तजवीज बेहतर है, ये हिकमत अमली कारगर होगी। ये क्या बात कर रहे हैं मुकर्रब खास, खेल है या जंग? हकीकी जंग ऐसे नहीं हुआ करती। पहला हदफ सर्बिया होगा, बलग्राद पर हमले के लिए डेन्यूब से आने वाली बहरिया का इंतजार करेंगे। बादशाह सलामत तुर्क सोफिया तक पहुंच गए हैं, हजारों का लश्कर लेकर आए हैं। अच्छा, आ गए, आने दो, खेल जारी रखो। अब आप ना रुके, रुके अगर तो मरोगे। समझ गई, वालदा सुल्तान जो कहेंगी सर झुका के मानूंगी। वो खुश हो गई तो सब मुश्किलें आसान, फिर एक शहजादे की मां बनूंगी मैं। सुम्बुलागा, मुझे एक खत लिखना है जरूरी, सुल्तान को अपने इश्क का इजहार करना चाहती हूँ। मैं घर लिखना नहीं आता, मैं बोलती जाऊं तो तुम लिख दोगे? मैं तुम्हारा खादिम नहीं हूँ, निगार का अल्फाज लिखवाओ। हद हो गई उरम खातून, मैं जा रहा हूँ, बहुत काम पड़े। रुक जाओ सुम्बुलागा, अभी तो बहुत कुछ पूछना है मुझे। बस बस, बाद में देखेंगे। हुरम दिन भर मसरूफ रहती है, सर उठाने की फुर्सत नहीं, किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहने लगी है। वालदाए सुल्तान, लाला पाशा के साहबजादे बातुर हाजिर हुए हैं आपसे मुलाकात के लिए। आने दो उनको। दाया, जो समझाया है उस पर अमल करो। खुश आमदीद बातुर, उम्मीद है आने के मकसद से वाकिफ होंगे। जी हाँ वालदाए सुल्तान। सुल्तान मौजम, खैरियत मतलूब, हुरम आपकी कनीज बेदाम आपके कदमों की धूल दिल से लगाए और दीद की हसरत लिए, आतिश जुदाई से रूह को झुलसा रही है। मेरा दिल गरिया करता है और
सांसें रुक जाती हैं मेरे सुल्तान। आयला चलो जाओ, बगैर बुलाए मत आना। मुझे कुछ लेना था अलमारी से। कहा ना जाओ, बाद में आना। जाओ चलो। कितनी बेअदब है आयला। हाँ अब एक शेर लिखो। दिल हो गया कबाब, ये इश्क है असाब। ठीक है अब आगे लिखो तुम। मगर कैसे भेजोगी तुम ये खत हुरम? तुम सिर्फ लिखो, मेरा काम है। जल्दी 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 करो, शरबत डालो इसमें। चल बेटा। शुक्र आगा, खैर तो है? बावर्ची खाना भरा हुआ है, क्या तैयारी हो रही है? दाया खातून आई थी, शाम को दावत है ना। किसकी दावत है, मुझे तो कोई खबर नहीं। चलो बेटा चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। वालदे सुल्तान ने आज सब दावत रखी है, आपका पहुंचना जरूरी है। किस सिलसिले में है ये दावत? गुलशा मेरा सबसे अच्छा लिबास तैयार किया जाए, सबसे खूबसूरत लगना है आज सब। क्या हो गया, थोड़ा और लिख दो ना। बस करो, अच्छा लिखा है, काफी है, खत्म करो। अश्क मुसलसल रवा है जैसे सैलाब, ये दूरी मुझे मार डालेगी। और हाँ ये भी लिखो, आयला कितनी बार कहूँ अभी आना मना है। हुरम खातून होश में आओ। जी दाया खातून, फरमाइए। वालदा सुल्तान ने बागीचे में तलब किया है तुम्हें। वालदा सुल्तान ने बुलाया है, पसंद करने लगी है मुझे? हाँ बहुत पसंद करती है, दीवानी है तुम्हारी। निगार काल्फा इसे वहां पहुंच जाओ। वालदा सुल्तान पसंद करती है और सुल्तान भी चाहते हैं मुझे। तुम्हारी नाजुक बहरिया आ गई है इब्राहिम, अब देखते हैं इसकी अहलियत। मेरा आका अहलियत बहरिया में नहीं, दरअसल अहलियत तो इस लश्कर के अजीम सालार सुल्तान सुलेमान में। फतह आ रही है कदम बोसी के लिए। सिकंदर आदम से भी बड़ा फातह बनने के दिन आया ही चाहते हैं सुल्तान मौजूद। सुनो इब्राहिम, सबर से कदम बढ़ाना, फतह की कुंजी सबर है। खुशगवार है मौसम, हर फूल पर बहार है। हुरम खातून क्या ये गुलदस्ता बना देंगी मेरे लिए? वालिदाए सुल्तान ये फूल आप ही के लिए है, दरअसल अभी गुलदस्ता बन जाता है। Thank you.
पता नहीं किसकी नजर लगी। ओहो, अल्लाह करे हुरम खातून को ज्यादा ना लगी हो। बस मोहतरम, घबराए मत आप, नाज़ो अदा दिखा रही है हुरम। चलते हैं, ढलने वाली है शाम। निगार काल्फा, हुरम खातून को आशर ज़ियाफ़त में मधु करो। जो हुक्म वालिदाए सुल्तान। शहजादी गुलफाम, पता ही नहीं चला कब आई या मैं ही गुम हूं। खत लिख रही हूं। इब्राहिम को? नहीं, मौलम जंबीली को लिख रही हूं। तौबा तौबा, इब्राहिम को जाहिर है। मगर वहां तक पहुंचाऊं कैसे? शहजादी, वालदाए सुल्तान इंतजार में है, आपको याद फरमा रही हैं। शहजादी, आपकी आंखें मेरे हमराह हैं। दरिया के साहिल पर ये लहरें मेरी रूह को सैराब कर रही हैं। Thank you.
नींद नहीं आ रही पारगाली? मेरे आका, क्या कुछ छुपा रहे हो? आका, मेरी ऐसी जुर्रत? शेर ऐसे लिख रहा था मैं तो, बिल्कुल फजूल है ये शेर आपकी शायरी के सामने, सो इसलिए दिखाया नहीं मैंने। खुश रहो पारगाली, हंसा दिया मुझे। तुमने हुरम की तरह इस वक्त हंसा दिया मुझे। दाया, बातुन ने क्या कहा, पसंद आई वो उसे? बहुत पसंद आई उन्हें, वो तो खुशी से पागल ही हो गए। चलो आओ। क्या हुआ, खता हो गई? फिर सजा मिलेगी? चलो आओ, डरो नहीं। दाया खातून, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताइए तो सही। फिर सजा मिलेगी क्या? क्या फिर कैदी बन जाऊंगी? रूसी कनीज गुलामी खत्म हुई तुम्हारी, आजादी शुरू हो रही है। अदरना जा रही हो दुल्हन बनकर। सुल्तान सुलेमान अदरना में इंतजार कर रहे हैं मेरा। शादी करा रही है तुम्हारी वालदाए सुल्तान लाला कासिम पाशा के बेटे के साथ। मैं सिर्फ सुल्तान सुलेमान की बीवी बनूंगी और किसी की नहीं। सुना नहीं क्या? नहीं सुना तो फिर सुनो, वजीर लाला कासिम पाशा के बेटे के साथ तुम्हारी शादी होगी। अदरना जाओगी तुम, हुरम खातून समझ गई होगी तुम, तुम्हें इस महल से कल ही रुखसत होना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे साथ, नामुमकिन। कहीं नहीं जा रही मैं, सुल्तान सुलेमान। बस, सुल्तान सुलेमान का नाम अदब से लो तुम, वालदाए सुल्तान का फैसला है यही होगा, हुक्म है। Thank you.
वालदा सुल्तान को अल्लाह खुश रखे। ये कैसे जान छुड़ाई उस बदसात रूसी से? मलिका बस अल्लाह करे कोई मसला ना हो। अब क्यों होगा कोई मसला? तुमने अभी देखा तो वो कैसी इतरा रही थी। देखना गुलशा, जहां जाएगी जहन्नुम की आग में चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब तो खुश होना माहे दौरा। ये शब बहुत यादगार हो गई आपकी नवाजिश से वालिदा। हर रात यादगार होगी, हर दिन मुअत्तर होगा तुम्हारा। ठीक कहा ना कजीना? ब्रादर मौजम सलामत तो कामरान लौट आए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए वालदा। बस रोने से कोई फायदा नहीं, उठो अपने कमरे में जाके सो जाओ, कल एक नया दिन शुरू होगा। वालदा सुल्तान से अर्ज करूंगी कि अपना फैसला तब्दील करते हैं। जल्दी उठो, चलो अपने कमरे में, इधर आओ। दुल्हन साहिबा कैसी हैं आप? किसी की दुल्हन नहीं हूं मैं, मेरा ही ये महल, कहीं नहीं जाऊंगी। सुल्तान की बीवी हूं मैं, चहेती बीवी, मुझे कोई नहीं छू सकता उनके सिवा, मारी जाओगी। दाया खातून, ले जाओ इस गुस्ताख कनीज को सामने से मेरे। मैं कनीज नहीं हूं, हूरम हूं, हूरम सुल्तान। अहमद पाशा, तुम दरिया के रास्ते आने वाली बर्री फौज के हमरा किला सर्बिया की तरफ रवाना हो जाओ। बोस्निया का हाकिम बाली अहले कुरोशिया के साथ तुम्हारा इंतजार करेगा। मिहाल और उनका बेटा महमत अपना लश्कर लेकर तुमसे आ मिलेंगे। पहले सर्बिया फतह करना अहमद पाशा, फिर आगे बढ़ना। मेरी आका, गुलाम की राय में बुडापेस्ट की तरफ जाना नामुनासिब होगा और मुहासरे के लिए वजीर आजम पीरी पाशा के तैयार करदा जांबाज दस्ते को साथ ले जाना बहुत जरूरी होगा। और अगर हम अपनी कुव्वत को तकसीम करने के बजाय, अहमद पाशा, हमारी तमाम बहरिया कब तक यहाँ पहुँच जाएगी पोलाक मुस्तफा पाशा? बहुत जल्द पहुँच जाएगी, 4 या 5 दिन में। इसके अलावा इस मामले में अहमद पाशा हक पर है। बलगरात की नहर सावा डेन्यूब के एक मुश्किल मकाम पर है, किले के पीछे पूरा शहर होगा। महासरे के लिए दुगनी ताकत चाहिए। क्या कहते हो इब्राहिम? मेरे आका, मेरी नाकस राय में पीरी पाशा के लश्कर को रोकने या महासरे में ताखीर करने से दुश्मनों पर हमारी हैबत कम ना हो जाए कि हम खौफजदा हैं या हमारी ताकत कम है, या कहीं हमारे ही लश्कर के हौसले पस्त ना हो जाएं। अच्छा चलो, इस मामले पे खासी बारीकी से गौर करना होगा हमें। इब्राहिम, तुम सूबेदारों और कमानदारों को फौरन बुलवाओ, यहाँ के मुकामी लोगों का मशवरा लेना होगा। उसकी गुस्ताखी देखी तुमने? पैरों तले कुचल देने का दिल चाह रहा था। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सुल्तान की बीवी हूं। जरा हिम्मत तो देखो उस रूसी कनीज की। बहुत डर गई है शायद वो, इसी वजह से कर बैठी है ऐसी गुस्ताखी। तो जाएगी, देखना हर हाल में जाएगी, चाहे वो जितना भी चिल्लाए। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाएगा, नहीं जाऊंगी यहां से। हुरम, चिल्ला मत, सब सुन लेंगे। कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम भी झूठी हो, तुम जानती थी कि यह होने वाला है, तुमने छुपाया मुझसे। खामोश हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, कह दिया ना मैंने, नहीं जाऊंगी मैं। मेरी लाश जाएगी अदना, मैं नहीं जाऊंगी।
नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी। क्या सोच रहे थे इब्राहिम? ध्यान किधर है? मेरे आका, जहां तक मुझे याद है बलगरात का महासरा करना था हमें। मैं कुछ तजब्जुब का शिकार हो गया हूं आपके इरादों से। तुम्हें याद है शिकार के लिए सरदास गए थे तो किस तरह उलझन में फंस गए थे, रास्ता ही भूल गए थे। शाम ढल चुकी थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमको, तब अचानक कहीं से एक मेहरबान लकड़हारा नमूदार हो गया था और हमारी मुश्किल सुनकर कितना आसान रास्ता बता दिया उसने हमें। आज भी कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो मुश्किल आसान हो जाएगी। माजरा चाहता हूं मेरे आका, कुछ समझ नहीं पाया मैं जल्दबाजी में। तो फिर ठीक है चलो, लश्कर हमले के लिए बेचैन होगा। मलिका यूसुफ आपके लिए बहुत खुशगवार हो। नाश्ता नहीं फरमाएंगी? नहीं, दिल नहीं जा रहा। ये सब उठा लो यहां से। मैंने तमाम शब आंखों में ही काट दी। हुरम ने जो गुस्ताखी की आपका दिल उसकी वजह से बोझल है? नहीं, हुरम ने कुछ कर दिया फिर क्या? इख्फा कैसा दाया? अपनी शादी का सुनकर वो हंगामा कर रही थी। ये रूसी कनीज बहुत ना हंजार है, उसे बुलवाया जाए। गुस्ताख। आयला खातून, हुरम कहाँ है? ऊपर है, सुंबल आखा की डांट सुन रही है। कल रात हुरम ने बहुत हंगामा किया। हुआ क्या था? चिल्ला रही थी कि ना शादी करूंगी ना महल से जाऊंगी। कह रही थी मर जाऊंगी, रात भर रोती रही। सकलम आगा, तुम्हारी नौकर हो जाऊंगी, गुलाम हो जाऊंगी, मुझे बचा लो खुदा के लिए, कुछ करो तो। कुछ नहीं हो सकता हुरम खातून, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वालदे सुल्तान का हुक्म कौन टाल सकता है? अल्लाह की कसम सर कलम हो जाएगा। इतना सोना दिया है मैंने तुम्हें, क्या फायदा हुआ? खुदा के लिए कुछ करो, बचा लो मुझे। सीधी बात समझ नहीं आ रही तुमको? बस करो, जाने होगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। सुम्बुलागा, सुम्बुलागा। आ रहा हूँ निगार काल्फा। वालिदाए सुल्तान ने हुरम को तलब किया है, नीचे ले आओ इसे। चलो चलते हैं। वालिदाए सुल्तान के रूबरू ये दीवानी बातें ना करना, सरे तस्लीम खम रखना, वरना ये सर कलम भी हो सकता है। चलो बाद अब होके चलो, बस चलो, जल्दी चलो, चलो। मेरे आका, बोस्निया के सूबेदार बाली साहब और बहरिया के कमांडर आ गए हैं, वारियाबी चाहते हैं। ठीक है, ले आओ उन्हें फौरन। इतनी जुर्रत तुझमें कहां से आई? ना फरमान, अदब नहीं सिखाया गया? बस जो कह दिया वही करना है तुम्हें। वालदाए सुल्तान में बेखता हूं। खामोश, मुंह बंद करो अपना।
ये खता बहुत संगीन है, बहुत बड़ी गुस्ताखी की मुर्तकिब हुई हो तुम। शुक्र करो कि सर कलम करने के बजाय जिंदा भेज रही हूँ तुम्हें। सबका है, मैं एक मुसलमान औरत हूँ वालदा सुल्तान, ख्याल करें इस बात का। चुप रहो, हमारे पाक दीन का नाम अपनी नापाक जबान से ना लो। दाया ले जाओ इसे यहाँ से, दूर करो इसे मेरी नजरों से, शाम होने से पहले यहाँ से भेज दो इसे। वालदा सुल्तान आपको खुदा का वास्ता, मत भेजे मुझे, मैं उम्मीद से हूँ।